Hey guys, welcome to Ignozar, this is Rohit Sharma. और यार इस वीडियो में मैं SSC JE का 2018 का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ. ये वीडियो की एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ क्वेश्चन एग्जाम की, ठीक है. हर वीडियो में अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिससे हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाए अराउंड 5 टू 6 वीडियोज के अंदर, सही है. तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था कि SSC JE इलेक्ट्रिकल का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, ठीक है. तो अब आप मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं, तो मैं आपको उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा. अनाउंसमेंट ये है कि यार मैं आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट प्रोवाइड करूँगा, वीडियोस प्रोवाइड करूँगा सारी टेक्निकल सब्जेक्ट और मैथ्स और एप्टीट्यूड वगैरह की. टॉपिक्स वाइज एक्सप्लेनेशन करूँगा वेरियस पेपर्स के, इसरो के हो गए या SSC JE का हो गया या DMRC का हो गया, जिससे हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर पाए, ठीक है. तो ये हमारी इसरो के लिए भी था कुछ, ठीक है. मैं इसरो के लिए भी वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, इसरो इलेक्ट्रिकल और आपका इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है. तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये हमारा इसरो का ग्रुप है और ये इलेक्ट्रिकल JE का एग्जाम का ग्रुप है, ठीक है. नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y is equal to a plus jb, सही है. तो अब हमें मालूम है ये एडमिट है, जेड हमारा होता है, जेड हमारा होता है एक्स प्लस आयोटा वाई अगर हम लिखते हैं, ठीक है. या इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है. जेड जेड की ये वैल्यू होती है इम्पिडेंस की, इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है एडमिटेंस, डेट इज वाई से हम डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं. अब इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टेंस, ठीक है. प्लस जे एक्सएल का रेसिप्रोकल क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या पूछा था, इफ एडमिटेंस इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस जे वी देन ए इज इक्वल टू कंडक्टेंस होगा, आर का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, ठीक है. ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारी जब मेरा RLC सीरीज सर्किट है आपका और वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, ठीक है. यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, तो कोई भी RLC सीरीज है जो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है उसका VS और IS दोनों सेम फेज में है. सेम फेज में कब होगा, जब वो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, है ना, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा. तो ये कंडीशन कब होती है हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, ओमेगा नॉट. तो ओमेगा नॉट हमारी क्या होती है 1/√LC, सही है. तो अगर मैं ओमेगा नॉट को मैं रखूँ 2πf = 1/√LC, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, f इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है. हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है आपसे, इफ 200 वोल्ट DC मशीन, मतलब V इक्वल टू हमें कितना रखा है 200 वोल्ट, सही है. जहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दे दिया है उन्होंने 0.5 ओम और आपको फुल लोड करंट, ठीक है, IARA फुल लोड करंट आपको दे दिया 20 एम्पियर, सही है. उन्होंने बोला इंड्यूस EMF डेट इज EV निकालना है. तो अगर हम DC मोटर की बात कर रहे हैं, वो एक्ट एज अ DC मोटर, तो DC मोटर की बात कर रहे हैं, तो DC मोटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V = EV + IARA, सही है. तो V हमारा कितना है 200 है, EV हमें निकालना है, प्लस IA हमें कितना गिवन है 20 और आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 0.5, 20 × 0.5 = 10, EB प्लस ये हमारा 200 है, ठीक है. तो EB यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 200 - 10 = 190 वोल्ट, therefore ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ AC कंटेंट प्रेजेंट इन द DC आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है. तो AC कंटेंट अपॉन में DC आउटपुट, ठीक है. ये जो चीज़ है ये हमें रिपल फैक्टर देता है, ठीक है. रिपल फैक्टर हमें क्या बोलता है, वो कहता है RMS वैल्यू ऑफ AC करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है अपॉन में एवरेज वैल्यू, सही है. अब RMS वैल्यू जो है सिर्फ वो AC की निकलती है, ठीक है. तो AC कंटेंट अपॉन में DC आउटपुट, ठीक है, दैट इज गिवन बाय रिपल फैक्टर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये देखते हैं, उसने बोला है कि एक AC सर्किट है जिसका एक्टिव पावर, दैट इज एक्टिव पावर किससे डिनोट करते हैं, P से, दैट इज 500 वॉट, एंड रिएक्टिव पावर इज Q = 500 VAR, सही है. तो दोनों इक्वल दे रखी हैं, ठीक है. तो उन्होंने लोड पावर फैक्टर मतलब PF निकालना है आपको, cos phi से डिनोट करते हैं पावर फैक्टर, ठीक है. तो पावर हमें मालूम होता है VI cos phi होता है, सही है. और ये हमारा रिएक्टिव पावर क्या होता है VI
साइन फाई, अगर ये दोनों इक्वल है तो वी आई से वी आई हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कॉस फाई उसने बोल दिया कि कॉस फाई इज इक्वल टू साइन फाई, सही है। तो ये दोनों इक्वल हैं, अब मैं फाई की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरी पावर इक्वल आ जाए, ठीक है ना, पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इक्वल आ जाए। अगर मैं फाई की वैल्यू 45 रखता हूँ तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों वन होते हैं, सही है, वन इक्वल टू वन, तो कॉस फाई क्या हो गया, पावर फैक्टर हमारा क्या होता है कॉस फाई, फाई हमने क्या लिया था 45, कॉस 45 इज इक्वल टू वन एंड वन इज द पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट, देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट डायरेक्शन मार्क्ड इन द सर्किट बिलो द नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज है तो हम केवीएल लगा देते हैं इसके अंदर, केवीएल लगाएंगे तो माइनस वी वन प्लस आई वन आर वन प्लस वी टू प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। मैं वोल्टेज को दोनों उधर लेकर जा रहा हूँ तो मैं आ गया यहाँ पे आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री इज इक्वल टू क्या है, वी टू उधर जाएगा तो माइनस वी टू प्लस वी वन हो जाएगा, ठीक है। तो नेट वोल्टेज मेरी कितनी आ रही है, माइनस वी टू प्लस वी वन, तो अगर इसको मैं इस सेकेंड ऑप्शन को खोल के देखूँ तो माइनस वी टू प्लस वी वन ही आ रहा है, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है उन्होंने, द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ स्किन इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटीरियल पे, ठीक है, किस मटीरियल से बना हुआ है हमारा कंडक्टर जो भी है, ठीक है। दूसरा डायामीटर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। और चौथा वो शेप ऑफ द कंडक्टर पे भी इंक्रीज डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता वो पूछ रहा है, तो ऑपरेटिंग वोल्ट इज द फैक्टर ऑन विच स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी फाई इज द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन एरिया डी ए, इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस इज गिवन बाय, इल्यूमिनेंस इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा जो फ्लक्स अपॉन एरिया हमें गिवन है, फ्लक्स अपॉन एरिया तो यही है, डी फाइव अपॉन डी है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कंडक्टर वोल्टेज, कंडक्टर वोल्टेज मतलब कंडक्टर वोल्टेज अपॉन में द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, अक्रॉस द डिस्क इनटू में एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो था हमारा पावर सिस्टम में, जब हमारे इंसुलेटर्स इस पोजीशन में लगे होते हैं, ठीक है, एक इस पोजीशन में हमारे पावर सिस्टम में लगे होते हैं, तो हम, ठीक है, इस तरीके से लगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का है, तो अगर हमें किसके अक्रॉस निकालना है, कंडक्टर वोल्टेज हमने V4 मान ली, तो अपॉन में एफिशिएंसी टू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क यहाँ पे आ जाती है, सही है। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंप एफिशिएंसी इज गिवन बाय, तो ये होता है आपका लाइट पावर, फॉर्मूला होता है लाइट पावर अपॉन में अपॉन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो लाइट पावर इज गिवन बाय ल्यूमन, ओके, एंड इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय वॉट, देयरफॉर आंसर इज ल्यूमन पर वॉट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल लॉस ऑफ द 2 केवीए ट्रांसफॉर्मर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी की एक कंडीशन होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब आपका पी आई जो है पी सी यू के इक्वल होता है, ठीक है, आपका आयरन लॉस इज इक्वल टू द कॉपर लॉस, ठीक है, तब इक्वल होता है। अगर मेरा पी आई 150 वॉट है तो टोटल लॉस पूछा ना, टोटल लॉस हमारे क्या होता है, पी आई प्लस पी सी यू कॉपर लॉस, ठीक है, और पी आई मेरा पी सी यू के इक्वल है तो मैं 2 पी आई लिख सकता हूँ, ठीक है, तो पी आई कितना है 2 इंटू में 150, सही है, तो डेट इज इक्वल टू 300 वॉट आंसर, सही है। और अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी होती है, सपोज करो किस लोड पे निकालते हैं, ठीक है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ लोड है जिस पे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है पी आई इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर इंटू में पी कॉपर एट फुल लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आया था कितने परसेंटेज ऑफ लोड है हमारा, ठीक है,
जहाँ पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो उसने बोला है कि हमसे 9 स्लॉट पर पोल, एक ऑल्टरनेटर है जिसके अंदर 9 स्लॉट्स पर पोल दे रखे हैं, ठीक है। तो डैट इज गिवन बाय पोल पिच, दिस इज पोल पिच हमें कितनी है 9, डैट इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। और हमें बोला है उसने कि आपको पिच फैक्टर निकालना है, पिच फैक्टर इज गिवन बाय कॉस एल्फा बाय 2, ठीक है, वेयर एल्फा इज द कॉइल स्पेन निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब कॉइल स्पेन निकालने के लिए कॉइल स्पेन का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन में स्लॉट्स पर पोल, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिग्री में निकलता है, ठीक है। तो पाई हम 180 लेंगे और स्लॉट्स पर पोल हमें कितना गिवन है 9, तो 180 डिवाइड बाय 9 इज 20 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर अल्फा पुट करते हैं तो कॉस अल्फा कितना है 20 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू कॉस 10 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या है, कॉस 10 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या फंक्शन होता है वो ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो मॉडरेटर का फंक्शन होता है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। तो वो चेन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करता है, वो क्या करता है, जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है फिशन की वजह से। जो फिशन होता है इसके अंदर, ठीक है, फिशन हमारा क्या करता है, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन इसलिए करता है जिससे वो जो हमारा यूरेनियम 235 है उससे ढंग से रिएक्ट कर पाए। वो ढंग से जब रिएक्ट करेगा उसके साथ तो हमारा क्या होगा, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है रिएक्टिंग की वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से वो चेन रिएक्शन को अच्छे से मेंटेन कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज सर्किट्स पावर फैक्टर कैन बी मेजर। यार देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या पीएफ निकालना है, अगर हम पावर की बात करें सिंगल फेज सर्किट के, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। सपोज करो नॉर्मल पावर का हमने फॉर्मूला लिखा है वी आई कॉस फाई। अब हमें पावर चाहिए तो पावर हमें कौन कैलकुलेट करके दे सकता है, वॉट मीटर, ठीक है। वोल्ट हमें कौन कैलकुलेट करके देख सकता है, वोल्ट मीटर, और एम मीटर करंट, तो कॉस फाई निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एंड एम मीटर, ठीक है, ये तीन चाहिए अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है सिंगल फेज सर्किट का, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चीप एंड टेम्पररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग, डैट इज क्लेट वायरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत चीप होती है और ये बहुत टेम्पररी है, बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपके, सही है, इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जब हमारा टेक्निकल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके एप्टीट्यूड का पार्ट सॉल्व करेंगे, सही। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सही है। प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पे 50 के आसपास क्वेश्चंस देता हूँ बच्चों को जो सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी उसका पार्ट बनिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।